दोस्तों, अगर आप लंबे टाइम से एंड्रॉइड यूजर हैं और आपको आईफोन पे शिफ्ट होना है यानी कि आईओएस पे शिफ्ट होना है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग से एंड्रॉइड यूजर ही था और हाल ही में मैंने आईफोन पे शिफ्ट किया है। तो एंड्रॉइड से आईफोन पे शिफ्ट होने के क्या क्या नुकसान आपको भुगतने पड़ेंगे और आईफोन पे शिफ्ट होने के क्या फायदे होने वाले हैं, दोनों टॉपिक पे हम वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस रहेगा एक एंड्रॉइड यूजर जब आईफोन पे शिफ्ट करता है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं, और लास्ट में हम बेनिफिट्स की भी बात करेंगे कि एक एंड्रॉइड यूजर जब आईफोन पे शिफ्ट होता है तो उसको बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे। अब सबसे पहला प्रॉब्लम तो यही है जिसकी वजह से मेरा एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, और वो है कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में। वैसे तो आजकल एंड्रॉइड में भी अनाउंसमेंट के साथ कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है गूगल डायलर के अंदर, लेकिन कम से कम रिकॉर्ड तो हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे फोन है जैसे सैमसंग के फोन हो गए, उनके अंदर आज भी बिना किसी अनाउंसमेंट के कॉल रिकॉर्डिंग होता है, लेकिन आईफोन में तो कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा ही नहीं है। और एंड्रॉइड के अंदर अगर आपके फोन में इनबिल्ट कॉल रिकॉर्डिंग फीचर नहीं दिया गया है तो तरह तरह के एप्लीकेशन भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, जहां से उनको डाउनलोड करके आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन आईफोन में अभी तक ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे आप कॉल रिकॉर्ड कर पाए। हाँ, एक ऑप्शन जरूर है कि आप फोन पे बात कर रहे हैं और लाउड स्पीकर ऑन करके और दूसरे फोन से या कैमरे से आप कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है फाइल शेयरिंग की, यानी कि फाइल ट्रांसफर की। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर है तो एंड्रॉइड फोन से एंड्रॉइड फोन में फाइल ट्रांसफर करना काफी इजी है। वन क्लिक में शेयर इट जैसे एप्लीकेशन के थ्रू आप एक दूसरे के फोन में फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ भी ले दे सकते हैं। या अगर आपके पास विंडोज पीसी है तो उसमें भी केबल कनेक्ट करके कुछ भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, या वायरलेस भी बहुत सारे ऐसे पाते हैं जिनके थ्रू आप फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन से एंड्रॉइड के अंदर कोई भी फाइल शेयर करना एक टेढ़ी खीर है। मतलब शेयर तो कर पाएंगे लेकिन आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी एंड्रॉइड के मुकाबले। वहीं अगर विंडोज पीसी के साथ इसके रिश्ते की बात करें तो विंडोज पीसी और आईफोन की दोनों की आपस में ज्यादा बनती नहीं है, क्योंकि एंड्रॉइड को तो आप डेटा केबल से पीसी से कनेक्ट करेंगे तो उसके सारे फाइल आप एक्सेस कर सकते हैं, एंड्रॉइड फोन के अंदर कुछ भी कॉपी कर सकते हैं और एंड्रॉइड फोन से भी अपने पीसी के अंदर कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन यही काम आपको आईफोन के साथ करना हो विंडोज पीसी के साथ कनेक्ट करके तो यहाँ पे बहुत सारी मुश्किल आती है। मुश्किल ये है कि आईफोन के अंदर की जो फोटोज और वीडियो है उनको तो आप कॉपी कर सकते हैं अपने सिस्टम में, लेकिन उसकी भी लिमिटेशन है। जो छोटे साइज की वीडियो है उनको आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा बड़ी वीडियो है बड़े साइज की है उनको आप बिना आईट्यून के मदद से कॉपी नहीं कर सकते। और आईफोन के अंदर तो आप भूल ही जाओ कि ऐसा कोई आप माई कंप्यूटर में जाके और वहां से आईफोन का फाइल खोल के उसमें आप कुछ पेस्ट कर दोगे। उसके लिए आपको अपने विंडोज पीसी में आईट्यून सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत पड़ेगी, तब जाके आप अपने आईफोन में अपने पीसी से कोई भी डेटा ट्रांसफर कर पाओगे, चाहे वो फोटो वीडियो या कुछ भी हो। तो यहाँ पे मामला बहुत पेचीदा हो जाता है एंड्रॉइड के मुकाबले। अगली प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर है तो आपको बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाता है। बहुत सारे एप्लीकेशन तो प्ले स्टोर पे ही आपको मिल जाते हैं जो फ्री में बहुत सारा कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं, और जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे पेड है उनको आप कहीं से भी जुगाड़ लगा के मोडेड एप्लीकेशन वगैरह डाल के आप यूज कर लेते हैं, कहीं से भी कोई एपीके फाइल डाल के उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन अगर आप एक आईफोन यूजर हैं तो आपके सामने सिर्फ एक ऐप स्टोर ही है जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी वहां पे बहुत सारे लिमिटेड एप्लीकेशन है। बहुत सारे एंड्रॉइड की तरह वहां पे आपको भर भर के एप्लीकेशन नहीं मिलेंगे और उनमें भी उतने सारे फीचर्स नहीं है जितने आपको एंड्रॉइड के अंदर मिलेंगे। कुछ एप्लीकेशन जो अच्छे हैं और काम के हैं वो पेड हैं और वहां पे आपको पैसे देने ही पड़ेंगे उनको यूज करने के लिए। आईफोन के अंदर ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जैसे आप एंड्रॉइड के अंदर करते हैं कि कहीं से भी कोई एपीके उठा के अपने फोन में इंस्टॉल कर लेते हैं, वैसा आप iOS के अंदर नहीं कर सकते। ऐप स्टोर के अलावा आप कहीं से भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। साथ ही आईफोन के अंदर अभी तक डुअल ऐप का भी सपोर्ट नहीं मिलता, जो कि एंड्रॉइड के अंदर कॉमन बात है कि आप एक एप्लीकेशन को क्लोन करके दो आईडी से यूज कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह हो गया। लेकिन इसमें भी एक छोटी सी ट्रिक है कि आईफोन में अगर मान लीजिए दो व्हाट्सएप यूज करना चाहे तो एक व्हाट्सएप बिजनेस हो गया और एक नॉर्मल व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, एक फेसबुक हो गया और एक फेसबुक लाइट यूज कर सकते, ऐसे ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं ट्रिक लगा के थोड़ा सा। लेकिन ऑफिशियली आपको डुअल ऐप का सपोर्ट इसके अंदर नहीं मिलता है। अब जो लोग आईफोन यूज कर रहे होंगे वो कमेंट में गाली नहीं देंगे, क्योंकि आईफोन यूज करने के फायदे क्या क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं आईफोन के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पहलुओं पे बात कर रहा हूँ। तो बात को समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आईफोन की बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने खुद अभी आईफोन परचेज किया है और मैं एंड्रॉइड से आईफोन पे शिफ्ट हुआ हूँ। अगली प्रॉब्लम यह है कि अगर आप आईफोन के अंदर कहीं से फाइल ट्रांसफर कर भी लेते हैं, चाहे वो पीसी के माध्यम से हो गया या कोई ट्रिक लगा के अगर शेयर इट वगैरह जैसे किसी एप्लीकेशन से आपने फाइल ट्रांसफर कर भी लिया, तो वो फाइल सिर्फ उसी ऐप के अंदर रहेगी। अगर उस फाइल को आपको फोटोज या फाइल फोल्डर के अंदर अगर सेव करना है तो सेव के ऑप्शन पे जाके उसको लोकेशन देके आपको सेव करना होगा, तब जाके वो फोटोज के अंदर या फाइल के अंदर आएगी। और फोटोज फाइल से याद आया कि आईफोन की ये दोनों फाइलें अलग अलग है। जैसे एंड्रॉइड में होता है फाइल मैनेजर के अंदर जितनी फाइलें हैं वो गैलरी या आपके फोटोज फोल्डर के अंदर भी शो करता है, ऐसा आईफोन में बिल्कुल नहीं है। आईफोन में फोटोज ऐप अलग है और फाइल्स ऐप अलग है। मतलब कि आपने जो फाइल के अंदर सेव किया उसको फोटोज के अंदर नहीं देख सकते, जो फोटोज के अंदर सेव किया है उसको फाइल्स
के अंदर नहीं देख सकते। और इसके फोटोज ऐप के अंदर ही आपकी सारी फोटोज और वीडियोज एक ही जगह पे होती है, चाहे व्हाट्सएप से आई हुई हो, चाहे अपने फोन से रिकॉर्ड किया हो, वो सारा कुछ एक ही जगह पे मिलता है। ऐसा नहीं कि उसको अलग अलग कैटेगराइज करके आप रख सके। इसके अलावा अगर आप एंड्रॉइड से आईफोन में शिफ्ट हो रहे हैं तो आपने जो एंड्रॉइड फोन के अंदर जो व्हाट्सएप का बैकअप लिया है उसको आप आईफोन में रिस्टोर नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा ऑफिशियल तरीका मुझे अभी तक नहीं मिला कि एंड्रॉइड के अंदर व्हाट्सएप का बैकअप लेके और आईफोन के अंदर हम रिस्टोर कर सके। तो व्हाट्सएप डेटा तो आप भूल ही जाओ। अगली प्रॉब्लम है आईफोन की लाइटनिंग पोर्ट। सारे फोन जहां पे टाइप सी दे रहे हैं आईफोन अभी तक लाइटनिंग पोर्ट को ही लेके चल रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि आप कहीं भी जाओगे तो आपको अपना लाइटनिंग केबल कैरी करना पड़ेगा साथ में, क्योंकि उसके बिना ना तो आपको फोन को पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं और ना अपने फोन को चार्ज पे लगा सकते हैं। तो लाइटनिंग केबल भी साथ में रखना पड़ेगा। और एंड्रॉइड फोन की जैसे ऐसा नहीं कि कहीं भी गली नुक्कड़ पे आपको लाइटनिंग केबल मिल जाएंगे, उसके लिए भी टाउन एरिया में अच्छे दुकान पे जाएंगे तब जाके वहाँ पे लाइटनिंग केबल आप खरीद पाएंगे। जबकि एंड्रॉइड के लिए किसी भी नुक्कड़ पे, किसी गली मोहल्ले की छोटी सी छोटी दुकान पे भी आसानी से आपको केबल्स और ओटीजी कनेक्टर्स मिल जाएंगे, और वो भी सस्ते दामों में। इसके अलावा और भी तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आती है आईफोन के अंदर एंड्रॉइड के मुकाबले, जैसे कि इसका कॉल ऐप। इसके कॉल ऐप के अंदर जितने तरह के एप्लीकेशन से आपने कॉल किए हैं वो सब एक ही जगह पे दिखाता है। जैसे आपने किसी को व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल किया है, या आपको किसी ने व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल किया है, या फेसबुक का वीडियो कॉल, या इंस्टाग्राम का कॉल, या डायरेक्ट आपने जो फोन से डायल करके कॉल किया है, वो सब कुछ इसके फोन ऐप में ही दिखाता है। और अगर आपने किसी का नंबर 10 बार डायल किया है तो सीधा वो 10 बार उसी का ही नंबर दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान का नाम दिखाएगा, उसके कॉल हिस्ट्री में जाके वहां पे आप एंड्रॉइड के जैसे देख पाएंगे कि मैंने इसको कब कब कॉल किया है। और 100 से ज्यादा नंबर एक बार में ये नहीं दिखाएगा। इसके अलावा इसके वाईफाई को अगर आप ऊपर से नोटिफिकेशन पैनल से बंद करेंगे तो सिर्फ 24 घंटे के लिए बंद होता है, दूसरे दिन अपने आप वो फिर चालू हो जाएगा। परमानेंट अगर वाईफाई को बंद करना है तो आपको सेटिंग से जाके और तब बंद करना पड़ेगा वाईफाई और ब्लूटूथ को, तब जाके वो परमानेंट बंद होगा। कैमरा ऐप के अंदर भी अगर कोई आपको सेटिंग करनी है तो उसके लिए भी आपको सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ेगा, ना कि कैमरा ऐप से उसको आप एक्सेस करेंगे। अगर व्हाट्सएप के अंदर की कोई फाइल एक्सेस करनी है तो उसको फाइल्स के अंदर जाके आप नहीं कर सकते। जैसे एंड्रॉइड में आप फाइल मैनेजर के अंदर जाते हैं तो उसमें सारे फोल्डर्स बने हुए होते हैं जिसमें सारे एप्स के डाटा अवेलेबल होते हैं, वैसा आईफोन में नहीं है। उसमें अगर आपको व्हाट्सएप के अंदर की सारी फाइलें एक्सेस करनी है तो व्हाट्सएप के अंदर से ही जाके आपको करना पड़ेगा, ना कि फाइल्स ऐप के अंदर वो आपको मिलेगा। एंड्रॉइड के अंदर क्या होता है कि किसी भी एप्लीकेशन के अंदर अगर हमको वीडियो वगैरह देखना है तो वहां से हम उसको रोटेट कर सकते हैं, वहीं से उसमें ऑप्शन होता है रोटेट करने का, जैसे कि एमएक्स प्लेयर वगैरह में हो गया। लेकिन आईफोन के अंदर हर बार आपको रोटेशन ऑन और ऑफ करनी पड़ेगी उसको यूज करने के लिए। जैसे एक बार अगर रोटेशन ऑन कर दिया तो बार बार फोन रोटेट होगा किसी भी एप्लीकेशन में, और रोटेशन ऑफ कर दिया तो किसी भी एप्लीकेशन में रोटेट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको बार बार ये चीजें करनी पड़ेगी। अगली प्रॉब्लम ये है कि आप एंड्रॉइड में जैसे किसी फोटो की क्वालिटी लूज ना हो, उसके लिए एंड्रॉइड में आप किसी को डॉक्यूमेंट के अंदर फोटोज अपलोड करके भेज देते हैं। ये काम अगर आईफोन के अंदर करना है तो कान घुमा के पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इसका फोटोज ऐप और फाइल ऐप दोनों अलग अलग है। अगर आपको कोई फोटो किसी को डॉक्यूमेंट के रूप में भेजना है कि उसकी क्वालिटी लूज ना हो, तो पहले उस फोटो को फोटोज ऐप के अंदर से फाइल ऐप के अंदर कॉपी करना होगा, उसके बाद आप व्हाट्सएप से वो फोटो डॉक्यूमेंट के अंदर अपलोड करके उस पर्सन को भेज पाएंगे। इसके अलावा अगर व्हाट्सएप के अंदर किसी को आपको एक से ज्यादा फोटो भेजने हो तो एंड्रॉइड में ऑप्शन है कि आप जहां पे फोटो सेलेक्ट करने जाएंगे एक ही बार में कितने सारे फोटो उठा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर वैसा नहीं है। इसमें पहले एक फोटो उठाइए, फिर प्लस के आइकॉन पे क्लिक करके फिर और फोटो आप उठा सकते हैं। एंड्रॉइड के अंदर इस एक बार वॉल्यूम बटन को दबाने के बाद स्क्रीन से ही आप बहुत सारे वॉल्यूम्स की सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको सेटिंग्स के अंदर जाके और वॉल्यूम्स के ज्यादा कंट्रोल आप एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा आईफोन में जो सफारी ब्राउजर है उसके अंदर ही सिर्फ आप स्क्रॉलिंग वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी किसी ऐप में बाकी किसी भी जगह आप स्क्रॉलिंग वाले स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, जबकि एंड्रॉइड में आप ये काम इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा एंड्रॉइड में जो आप डायरेक्ट वीडियो कॉल करते हैं वोल्टी के ऊपर, जैसे आपके पास जियो या एयरटेल का सिम है तो जियो टू जियो या एयरटेल टू एयरटेल आप जो डायरेक्ट वीडियो कॉल अपने फोन के डायलर के थ्रू कर देते हैं वोल्टी के थ्रू, वो काम आप आईफोन में नहीं कर सकते। गूगल ड्राइव से आप जो बड़ी बड़ी फाइलें लोड करते हैं, कोई मूवी हो गया या कोई बड़ी काम की फाइलें हो गई, वो काम आप आईफोन के अंदर नहीं कर सकते। इसके अलावा एंड्रॉइड या यहां तक कि जो कीपैड फोन है पुराने वाले, उनमें भी ये फीचर है कि किसी का भी नंबर अगर आपको कॉन्टेक्ट से निकालना हो तो उसका दो चार डिजिट अगर आपको याद है तो वो दो चार डिजिट टाइप करने से ही बाकी का नंबर नीचे फ्लैश होने लगता है और उस पर सेलेक्ट करके आप उसको कॉल कर सकते हैं। लेकिन आईफोन के अंदर जब तक आप उसके 10 के 10 नंबर न टाइप करें तब तक उसका नाम वहां पे शो नहीं होगा। इसके अलावा इसमें आप ट्रू कॉलर इंस्टॉल नहीं कर सकते। नुकसान क्या होगा इसका? नुकसान ये होगा कि बहुत सारे स्पैम टाइप के जो कॉल आते हैं, मतलब कि क्रेडिट कार्ड ले लो या एडवर्टाइजमेंट वाले कॉल्स आते हैं, उनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आपको फोन उठाना ही पड़ेगा, फोन उठाने के बाद पता चलेगा ये फोन तो क्रेडिट कार्ड वाले भैया का था या दीदी का था, तो ये फीचर भी आप यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा आईफोन 12 सीरीज से इसमें ओएलईडी डिस्प्ले देखने को मिल रही है। एंड्रॉइड के अंदर सारे ऐसे फोन में जिनके अंदर एमोलेड डिस्प्ले लगी हुई है उसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर देखने को
मिल जाता है, लेकिन आईफोन के अंदर ओएलईडी डिस्प्ले होने के बावजूद भी आईफोन 13 सीरीज तक अभी तक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर नहीं मिला है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे काम है जो एंड्रॉइड में बहुत इजी टू यूज है लेकिन आईफोन में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे। ये तो हो गई प्रॉब्लम्स की अगर आप एंड्रॉइड से आईफोन पे शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको ये सब प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है, लेकिन इसके साथ बेनिफिट्स क्या क्या है, मैंने क्यों आईफोन पे शिफ्ट किया, ये बातें भी यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आप आईफोन पे शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको तगड़ी वाली सिक्योरिटी मिलेगी। आईफोन एंड्रॉइड की तरह ज्यादा हैंग या ज्यादा लैग वगैरह नहीं होते। आईफोन की जो वीडियो क्वालिटी है उसका कोई जवाब नहीं है एंड्रॉइड के अंदर। आईफोन की वीडियो क्वालिटी एकदम जबरदस्त है। आईफोन 12 सीरीज या उसके ऊपर के जो आप आईफोन लेंगे उसके अंदर आप 4K 60fps HDR Dolby Vision वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसका कि कोई तोड़ अभी एंड्रॉइड के पास नहीं है। फोटोज वगैरह काफी अच्छी आती है, मतलब कि कुल मिला के आईफोन की जो कैमरा और वीडियो क्वालिटी है वो काफी शानदार है। अगला बेनिफिट ये है कि आईफोन में जो मटेरियल यूज किया जाता है वो काफी प्रीमियम लेवल का मटेरियल होता है। जैसे कि मेरा आईफोन 13 है, इसके अंदर जो फ्रेम आपको मिलता है वो एल्युमिनियम का मिलता है, और जो आईफोन 13 प्रो है उसके अंदर जो फ्रेम मिलता है वो स्टील का मिलता है। बाकी वाटर प्रूफ होता है फोन, थोड़ा बहुत अगर पानी में भी लेके जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पानी में लेके जाए, लेकिन फोन वाटर प्रूफ होता है आईफोन, तो ड्यूरेबल काफी ज्यादा होता है। एक बार आईफोन लेने के बाद आप 4-5 साल आराम से इसको यूज कर सकते हैं। ये सारे कुछ फायदे हैं आईफोन लेने के। मेरी अगर बात करें कि मैंने आईफोन क्यों लिया, तो मैं एक वीडियो क्रिएटर हूं और मुझे एक अच्छा वीडियो क्वालिटी वाला फोन चाहिए था, और सेल में आईफोन 13 की प्राइस काफी डाउन हुई थी, इसलिए मैंने आईफोन परचेज किया, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी इसकी वीडियो क्वालिटी की वजह से। और साथ ही मैं इसी टाइप की टेक्निकल वीडियोज भी बनाता हूं, तो इसीलिए मुझे एक आईफोन की जरूरत थी ताकि मैं आईफोन और एंड्रॉइड दोनों को एक्सपीरियंस कर पाऊं और वो सब एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर पाऊं। तो जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको गिनाई, अगर उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको एक प्रीमियम स्मार्टफोन चाहिए, बेहतरीन कैमरा क्वालिटी, बेहतरीन डिस्प्ले क्वालिटी, और साथ में वो ड्यूरेबल हो और सिक्योर भी हो, तो आप बिल्कुल एंड्रॉइड से आईफोन पे शिफ्ट कर सकते हैं, या अगर आप ज्यादा पैसे वाले हैं तो दोनों ही रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।